आखिर इंडिया में इतने पेपर लीक्स और एग्जाम स्कैम्स क्यों होते हैं, और एक ऐसी जगह जहां पर लोग जब रात में सोने जाते हैं तो जानबूझकर घर की सभी लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम और टीवी को ऑन कर देते हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर वर्ल्ड कप में इतनी खराब पिचेस को अप्रूव क्यों किया गया? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश, और चलिए बना डालते हैं इस वीडियो को भी नेक्स्ट लेवल झकास। गाइस, ये सुनकर सूख जाएगा आपकी दाल में पड़ा हुआ तड़का, लेकिन भारत में आगे आने वाले समय में हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन है लड़की और कौन है लड़का। असल में गाइस, आटा गीला कर देने वाली ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है इटावा से, जहां पर रहने वाली शालिनी दीदी ने दहेज के पैसों का इस्तेमाल करते हुए अपनी सर्जरी को कराकर अपने आप को एक जिंदा लड़के में ही कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि शालिनी दीदी का ये मानना है कि लड़कों की जिंदगी लड़कियों के कंपैरिजन में ना सिर्फ काफी ज्यादा अच्छी होती है बल्कि आसान भी होती है। भैया मैं सच बता रहा हूँ, 2 मिनट का मौन रख लो इस बात पर। नहीं मतलब वीडियो खत्म होने के बाद रख लेना, क्योंकि भैया मैं लड़का हूँ, मैं ठुमके मारकर 4 मिलियन व्यूज ना ला सकता, हमें मेहनत करनी पड़ती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि शालिनी दीदी ने शानू भाई बनने के लिए अभी तक लगभग 7 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, जिसके की बात शानू दीदी शानू भाई आसपास के एरिया में ठीक वैसे ही फेमस हो चुके हैं जैसे आजकल वर्ल्ड कप में न्यूयॉर्क की क्रिकेट ग्राउंड की पिच हो रही है। गाइस क्या आपको पता है कि अब आगे आने वाले समय में हम सभी को बनना पड़ेगा एक टांग का वॉरियर, क्योंकि हमारे घर में डिलीवर जो हो रहे हैं फर्जी कोरियर। असल में गाइस, ये सुनकर आपका भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट हैंग हो जाएगा, लेकिन आजकल हमारे घर में आ रहे हैं ऐसे कोरियर वाले भैया जो खोल डालते हैं घर के सामने बंदी गधैया, अरे मतलब कर्रा वाला चूना लगा रहे हैं। असल में गाइस, इस स्कैम में एक डिलीवरी एजेंट आपके सामने एक फेक पार्सल को लेकर ठीक वैसे ही आ जाता है जैसे आज से कुछ समय पहले बेंगलुरु के एक लड़के के सामने जिम में सुबह सुबह माइटी राजू आ जाता था। अब गाइस, चाहे माइटी राजू हो या फिर फेक डिलीवरी एजेंट, दोनों ही चीजें हमें फूटियां बिल्कुल भी नहीं सुहाती। जिसके चलते हुए जैसे ही आप उस कुरियर को लेने से मना कर देते हैं तो डिलीवरी एजेंट आपके सामने ही उस कुरियर को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट डालता है, जिसका ओटीपी बकायदा आपके पास डिलीवर भी होता है। अब अगर आपने एजेंट को दे दिया वो कोड तो आपकी जिंदगी में आएगा एक ऐसा मोड़ जहां पर रह जाएगी चटकी हुई आपकी थाली, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट एक ही झटके में हो जाएगा खाली, और फिर तो गुहिया भी भाव नहीं देगी आपकी साली, और घर वाले अलग से देंगे भर भर कर गा। समझ गए ना आप लोग, तो भूल कर भी ऐसी बिचकबड़ी हरकतें नहीं करें। गाइस, अभी तक तो हम टीवी, फ्रिज और एसी जैसी चीजों को आसान किस्तों पर लेते थे, लेकिन वही बात अगर गुजरात की जाए तो गुजरात में तो अब रिश्वत भी ईएमआई पर ली जाती है। भैया इतना भी डिजिटल इंडिया ना बनाना था हमने देश को। असल में गाइस, गुजिया फाड़ देने वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है गुजरात से, जहां पर मौजूद अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने आसान किस्तों पर रिश्वत लेने की एक ऐसी स्कीम बनाई है जिसके बारे में किसी ने सोची नहीं होगी। असल में गाइस, इस स्कीम के तहत करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बड़े अमाउंट की रिश्वत को छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में विक्टिम से लेते हैं, क्योंकि इन महान आत्माओं का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से विक्टिम पर भारी रिश्वत देने का बोझ ठीक वैसे ही खत्म हो जाता है जैसे इन चचा का डांस देकर हमारी अंतर आत्मा खत्म हो चुकी है। क्या भेरेंट पना मचा रखा है ऑनलाइन। तो मोरल ऑफ दी स्टोरी इज, अब नहीं बिगड़ेगी आपकी महीने की बजट की लिस्ट, क्योंकि भारत में ली जा रही है रिश्वत ऑन आसान केस्ट। गाइस, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अक्सर अपनी जुबान केसरी करके लोगों के सामने ये फ्लैक्स जताते हैं कि भाई हमारा दिमाग किसी कंप्यूटर से कम है के। लेकिन क्या आपको पता है कि अब स्वीडन के वैज्ञानिकों ने इस बात को इतना ज्यादा गहरा ले लिया है जितना गहरा तो रशिया का कोला सुपरडी बोरहोल नहीं है। मतलब समझ रहे हैं ना आप, रशिया के गड्ढे से भी ज्यादा गहरा। असल में गाइस, ये रिपोर्ट सुनकर आपके भी दिमाग के कूलिंग फैन घूम जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में स्वीडन के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे पहले लिविंग कंप्यूटर प्रोसेसर को ही बनाकर तैयार कर लिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस प्रोसेसर में ह्यूमन ब्रेन टिश्यूज को ठीक वैसे ही घुसेड़ा गया है जैसे YouTube बड़ी बड़ी वीडियोस के बीच एड घुसेड़ता रहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस तरीके से ह्यूमन ब्रेन टिश्यूज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर मिला दिया जाए तो हम बेहद ही पावरफुल कंप्यूटर प्रोसेसर को बनाकर तैयार कर सकते हैं, और अगर ये प्रोजेक्ट पूरे तरीके से सफल रहा तो मे बी नेक्स्ट ईयर आपको मार्केट में एक या फिर दो ऐसे हाईटेक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप भी देखने को जरूर मिलेंगे जिनके अंदर एक्चुअली में ह्यूमन ब्रेन टिश्यूज का इस्तेमाल किया गया होगा। ओ भाई, बस इन तरीके के प्रोसेसर बनाने में पुनीत भाई जैसे ब्रेन टिश्यूज मत लेना, वरना प्रोसेसर प्रोसेसिंग से कहीं ज्यादा तो हाँ ऐसी भेरेंट आवाज निकालेगा। गाइस, अगर आपको भी करना है अपनी सक्सेस से सामने वाले का कच्चा गिल्ला तो आज से ही शुरू कर दो घर में बनना जिंदा गोरिल्ला। असल में गाइस, ये सुनकर आपका भी टार्जन बाहर आ जाएगा, लेकिन रिसेंटली ब्रिटेन में की गई स्टडी से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अगर आप महज दिन में 2 बार 20-20 सेकंड के लिए हल्का सा अपनी चेस्ट के सेंटर में उसे पंप करते हैं तो सिर्फ यही चीज ना सिर्फ आपको काफी ज्यादा सक्सेसफुल बना सकती है बल्कि वो आपके शरीर से सारी बीमारी
खिलाड़ी को ठीक वैसे ही भगा सकती है जैसे कभी कभी विराट भाई वाटर बॉय बनकर ग्राउंड पर भागते नजर आते हैं। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन हमारी बॉडी में इस जगह पर एक थायमस ग्लैंड मौजूद होती है जो कि टाइम टू टाइम टी सेल्स को रिलीज करती है। बेसिकली इन टी सेल्स का काम हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना भी होता है। लेकिन वहीं अगर आप इस पापी दुनिया के कांड देख देख कर काफी ज्यादा डिप्रेस और दुखी हो जाते हैं तो यही थायमस ग्लैंड का साइज थोड़ा सा सिकुड़ जाता है और इसके अंदर से निकलने वाले टी सेल्स की क्वांटिटी भी ठीक वैसे ही कम हो जाती है जैसे थाराबाई जोगिंदर का IQ लेवल। अब इस कंडीशन में अगर आप दिन में महज दो बार ही 20-20 सेकंड के लिए गोरिल्लाओं की तरह अपनी छाती को पीटते हैं तो इसी थायमस ग्लैंड का साइज ना सिर्फ बढ़ता है बल्कि हमारी बॉडी के अंदर टी सेल्स का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है और एज अ रिजल्ट सिर्फ इसी चीज के दम से ना सिर्फ हम काफी ज्यादा हेल्दी बनते हैं बल्कि हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। गाइस अगर आप भी नहीं बना रहना चाहते दुर्जन तो आज से ही बन जाओ जिंदा टार्जन। अबे ये सड़क के कुत्ते पे आजकल कौन पत्थर मार रहा है? गाइस जहां एक तरफ सोने से पहले हम अपनी घर की सारी ही लाइटें देते हैं बोझा तो वहीं दूसरी तरफ एक देश ऐसा भी मौजूद है जहां के लोग रोज रात टीवी और लाइटें जला जला कर रहे हैं अपनी आंखें सोजा। असल में गाइस ये वाली रिपोर्ट सुनकर आप सभी लोग इन लोगों से सिर्फ यही बोलेंगे बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। लेकिन साउथ कोरिया में मौजूद योनपियोंग आइलैंड इस पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा आइलैंड है जहां के लोग जब भी सोने जाते हैं तो वो स्पेशली अपने घर के सारे ही म्यूजिक सिस्टम और टीवी को ऑन कर देते हैं। अब आखिर क्या है पूरा माजरा चलिए वो समझते हैं। असल में गाइस ये आइलैंड नॉर्थ कोरिया से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और ये तो हम सभी को पता है कि हमारे प्यारे लकड़बग्गा भैया के शरीर में ऐसे विचित्र कीड़े मौजूद है जो कि हिट से भी ना मरते तो इन्हीं कीड़ों की उलबुलाहट में अक्सर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के इस आइलैंड पर गोली बारूद ठीक वैसे ही बजाता रहता है जैसे आए दिन गर्मी की वजह से ऋषिकेश में राफ्टिंग करने वाले एक दूसरे के मुंह पर चप्पू बजाते हैं और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए इनकी रात में नींद ना हो जाए गहरी और हर रमजान में इन्हें भी खाने को मिले भर भर के सहरी। तो यहाँ के लोग हर रात कुछ इस तरीके से अपने आप को अवेयर रखने के लिए म्यूजिक सिस्टम टेलीविजन और लाइट्स को ऑन करके ही सोते हैं और कहीं ना कहीं यही चीज इस आइलैंड को कुछ ज्यादा ही यूनिक बनाती है। गाइस ये सुनकर आपको भी लगने लगेगा अपना जग सूना सूना लेकिन अब विदेशियों को भारत में लगाया जा रहा है करोड़ों रुपए का जिंदा चूना। असल में गाइस जी झंझोड़ देने वाली रिपोर्ट निकलकर आ रही है गुलाबी शहर जयपुर से जहां के एक ज्वेलर ने भोली भाली अमेरिकन लेडी को 300 रुपए की आर्टिफिशियल ज्वेलरी 6 करोड़ रुपए की रॉयल ज्वेलरी बताकर ठीक वैसे ही चैप दी जैसे रन मूवी में विजय राज ने कौवा बिरयानी चैप भी दी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस गलीज पापी ज्वेलर ने उस नकली ज्वेलरी का एक फेक सर्टिफिकेट भी बनाकर इस लेडी के हाथ में रख दिया। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही इस लेडी ने अपने देश में जाकर इस ज्वेलरी को चेक कराया तो वहां के ज्वेलर ने यह बताया कि मैडम आपने चेक तो इसे यहां पर कराया पर आपने अपना कहां पर कटवाया क्योंकि ज्वेलरी तो है जिंदा नकली अब यहां से निकल लो पकड़कर बदली गली। एंड गाइस ऑनेस्टली हम सभी को एक बार ये तो जरूर सोचना चाहिए कि ऐसी चीजें कर एक्चुअली में हम हमारे देश की रेपुटेशन इंटरनेशनल मार्केट में कर क्या रहे हैं। अजीब लेकिन गलत। गाइस बढ़ानी है तो खूब बढ़ाओ अपनी दाढ़ी लेकिन भूल कर भी नो पार्किंग में मत खड़ी कर देना अपनी गाड़ी क्योंकि अब ये पड़ जाएगा आपकी जिंदगी पर भारी। असल में गाइस यूएसए और इंडिया दो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर नो पार्किंग में गाड़ियां हमें भर भर के ठीक वैसी दिखाई देती हैं जैसे रोड साइड गोलगप्पे की रेडी पर महिलाओं की भीड़। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए अभी हाल ही में यूएसए पुलिस ने कुछ इस तरीके की झुलझुली सी डिवाइस बनाकर तैयार कर ली है। असल में गाइस जैसे आप इस डिवाइस को किसी भी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर रखकर इसे ऑन करते हैं ये कार की विंड स्क्रीन को ठीक वैसे ही जकड़ लेती है जैसे हाल फिलहाल रणबीर बाबा ने एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए जॉनी भैया को जकड़ रखा है। अब दिमाग में खुजली कर देने वाली बात ये है दोस्तों कि इस डिवाइस को हटाने का एकमात्र तरीका इनके सर्विस सेंटर पर कॉल करके ऑनलाइन फाइन का पेमेंट देकर एक कोड को रिसीव करना है जिसके बाद जैसे आप इस कोड को इस डिवाइस के अंदर डालेंगे ये तुरंत ही आपकी गाड़ी के शीशे को ठीक वैसे ही छोड़ देगी जैसे अभी हाल ही में आपकी सरकार ने इंडिया एयरलाइंस को छोड़ दिया है। अब गाइस क्योंकि इस मेथड में टूइंग वैन और बाकी की सभी चीजों का खर्चा बच जाता है साथ ही साथ इस डिवाइस को बनाने में एक इंडियन स्टार्टअप का भी हाथ है तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब इस तरीके की डिवाइस आपको आगे आने वाले समय में हमारे देश भारत में भी देखने को जरूर मिलेगी। गाइस आपके भी होश उड़ जाएंगे ये जानकर लेकिन हमारे राष्ट्रपति भवन में मौजूद है एक जिंदा सा अजीब जानवर। असल में गाइस ये वाक्या है हमारे प्रधानमंत्री जी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह का जब इस सेरेमनी के दौरान एक कैमरामैन ने बैकग्राउंड पर जूम मारकर अपने चाइना मेड 200 मेगापिक्सल कैमरा को टेस्ट किया तो वहां पर हम सभी को कुछ इस तरीके से लेपर्ड ही टहलता हुआ दिखाई दिया। जलवा है हमारा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि भारत के पूरे ही इतिहास में अभी तक कहीं पर भी लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि भारत के राष्ट्रपति भवन के अंदर लेपर्ड जैसे जानवरों को भी पाला जाता है। हालांकि एग्जैक्टली ये जानवर वहां पर पाले जाते हैं या फिर स्पेशली इनको वहां पर लाया गया था ये अभी तक तो कोई भी नहीं जानता लेकिन जैसे ये चीज इंटरनेट पर वायरल हुई इसने पूरे ही देश के लोगों को ठीक वैसे ही हिला दिया जैसे आजकल नीट के घोटाले ने हमारे बालकों को हिला रखा है। गाइस जैसे हम सभी जानते हैं कि आज से कुछ समय
महीना पहले नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की सड़कों पर कचरे को ठीक वैसे ही फैला दिया था जैसे आज से कुछ दिनों पहले यूएसए के ग्राउंड पर इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को फैलाया था। क्यों जनाब, आप तो वर्ल्ड कप की तैयारी करने मिलिट्री ट्रेनिंग लेकर आए थे, क्या हुआ बिरयानी ना मिली क्या वहाँ पर? लेकिन क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया की ऐसी गिलगिली हरकत का जवाब देते हुए अब साउथ कोरिया ने अपने बॉर्डर पर इंडियन भंडारों से इंस्पायर होकर जय लंबे लंबे लाउड स्पीकर और तुरी वाले स्पीकर्स को इंस्टॉल करके उनके चमकीले चमकीले लड़कों बीटीएस के गाने ही बजा डाले हैं। अब गाइस ये तो हम सभी को पता है कि हमारे प्यारे लकड़बग्गा भैया बीटीएस के गानों से ठीक वैसे ही चिढ़ते हैं जैसे हमारे भाईजान बिस्नोई वाटर बोतल से। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन स्पीकर्स को कुछ इस तरीके से डेवलप करके लगाया गया है कि इनसे निकली हुई आवाज ऑलमोस्ट 30% नॉर्थ कोरिया के शहरों कवर कर रही है। मतलब आप देख रहे हो एक गुब्बारों से खेल रहा है, एक स्पीकर लगा रहा है। अबे जेन जी जनरेशन के लीडर्स हो क्या, ये चल क्या रहा है इस दुनिया में? आखिर वर्ल्ड कप में इतनी खराब पिचेस को अप्रूव्ड क्यों किया गया? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि इस साल वर्ल्ड कप में कोई भी टीम या फिर प्लेयर की परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा तो अपनी हालत की वजह से पिच उससे ज्यादा फेमस हो रही है। क्योंकि गाइस इस टूर्नामेंट की पिचेस को बनाया ही कुछ ऐसा गया है कि जैसे ही कोई भी बैट्समैन इनके ऊपर खेलने आता है उसका मूड ठीक वैसे ही खराब हो जाता है जैसे अभी हाल ही में लाइव न्यूज बोलते बोलते रजत शर्मा जी का खराब हो गया। मैं सुन रही थी आधे घंटे आधे घंटे। तो फिर गाइस अब ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि फिर क्रिकेट के इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स में इन तरीके की पिचेस को अप्रूव्ड किया ही क्यों गया? असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूएसए में क्रिकेट ठीक उतना ही फेमस है जैसे बॉलीवुड में अर्जुन कपूर की एक्टिंग, बोले तो ना के बराबर। और उसी की तर्ज पर इस वर्ल्ड कप को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए यूएसए ने ना सिर्फ टेंपरेरी ग्राउंड्स को बनाकर तैयार किया है बल्कि इन ग्राउंड्स पर जिन पिचेस का इस्तेमाल हुआ है उन्हें भी यूएसए में बनाकर तैयार नहीं किया गया। असल में बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन इस टूर्नामेंट में दिख रही पिचेस एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल होने वाली काफी समय की पुरानी पिचेस हैं, जिनको कि वहां पर यूएसए में सिर्फ इसी टूर्नामेंट के लिए इंपोर्ट किया गया है। अब गाइस नॉर्मली अगर एक कंट्री की पिचेस को उठाकर दूसरी कंट्री के अंदर ले जाया जाता है तो उससे ना सिर्फ पिच का सैंड फॉर्मेशन बदलता है बल्कि वो पिच अच्छी खासी डैमेज भी हो जाती है। और ये सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए जैसी ऑस्ट्रेलिया की पिचेस को यूएसए के इन टेंपरेरी ग्राउंड्स के अंदर असेंबल किया गया ना सिर्फ वो पिच काफी ज्यादा डैमेज हुई बल्कि वो काफी ज्यादा अनइवन भी हो गई। अब गाइस क्योंकि इन ग्राउंड में इंस्टॉल करने के बाद इन पिचेस को जो रिपेयर है वो यूएसए की ही सैंड से किया गया है तो अब ये पिचेस इस तरीके के चलते हुए कुछ ज्यादा ही अनइवन बन चुकी हैं। और ये वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए आपने अक्सर एक्सपर्ट्स के मुंह से ये भी सुना होगा कि इन पिचेस में एक अजीब सा ही अनइवन उछाल है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इंपोर्टिंग के दौरान पिचेस का डैमेज होना और रिपेयरिंग के लिए यूएसए की सैंड का इस्तेमाल करना है। हालांकि आईसीसी ने यूएसए के अंदर ही फर्स्ट क्लास पिचेस को क्यों नहीं बनवाया और आखिर ये सारी ही चीजें इस टूर्नामेंट में क्यों की गई, इस बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ आईसीसी के पास ही मौजूद है। अब गाइस कुछ हो या फिर ना हो लेकिन जैसे ही हम लोग इस तरीके के टूर्नामेंट को टीवी पर लगाकर बैठते हैं भैया हम सभी के अंदर से सिर्फ यही आवाज आती है, मजा नहीं आ रहा है। आखिर भारत में इतने पेपर लीक्स और एग्जाम स्कैम्स क्यों होते हैं? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि हमारे देश भारत में हमें हर साल एक बार या दो बार ऐसी चीजें सुनने को जरूर मिलती है जिसमें कोई भी स्पेसिफिक एग्जाम या तो कैंसिल कर दिया जाता है या फिर उसका पेपर लीक कर जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रिसेंटली नीट एग्जाम्स में तो ये चीज एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है क्योंकि इस एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया था कि इसमें ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे लेकिन इसके बावजूद भी इस एग्जाम में ग्रेस मार्क्स भर भर कर दिए गए हैं, जिसके चलते हुए हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर खड़ा होता है कि फिर आखिर इंडिया के साथ ऐसी कौन सी परेशानी खड़ी हो जाती है जिसके चलते हुए हर साल ऐसी सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ती हैं। असल में गाइस इसके पीछे बहुत से कारण मौजूद हैं। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है रूल्स एंड रेगुलेशन का स्ट्रिक्ट ना होना। असल में गाइस इंडिया में नॉर्मली अगर कोई भी एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो उसके ऊपर ज्यादा बड़े एक्शन को नहीं लिया जाता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है तब भी उस एग्जाम को या तो रिकंडक्ट करा लिया जाता है या फिर उसे पोस्टपोन कर दिया जाता है, जो चीज इंडिया के भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि गाइस अगर इसी सेक्टर में बात अगर फॉरेन कंट्रीज की जाए वहां पर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज के ऊपर भी एक स्पेशल अलग गवर्नमेंट बॉडी को बैठाया जाता है जिनका की प्राइमरी काम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और एग्जाम को बिल्कुल सटीक तरीके से कंडक्ट कराने का होता है। लेकिन वही बात अगर इंडिया की जाए तो इंडिया में अगर किसी भी एक स्टूडेंट के साथ कुछ गलत हो जाता है तो हमें सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि उसे सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाने होते हैं। वहीं दोस्तों अब बात अगर अगले कारण की जाए तो वो है गवर्नमेंट एग्जाम
कंडक्ट इन एजेंसी और स्टूडेंट्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी का ना होना। गाइस प्रेजेंट डेट में इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जहां से पेपर लीक बेहद ही आसानी से किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि इन सारे मेथड्स में ना ही ट्रांसपेरेंसी होती है और ना ही कोई अलग सी बॉडी इन्हें ऑडिट करने के लिए वहां पर बैठी होती है, तो ऐसे लोगों को पकड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं अगर इस चीज का कंपैरिजन वेस्टर्न कंट्रीज से किया जाए तो वहां पर बहुत सी ऐसी एजेंसीज स्पेशली सिर्फ इसलिए हायर की जाती है ताकि वो खुद के ही ऑथराइज लोगों को उस पॉइंट पर सर्व करने के लिए तैनात करे जहां से 1% भी पेपर लीक होने की गुंजाइश हो। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है जिसके चलते हुए ऐसी चीजें हमें वेस्टर्न कंट्रीज में बिल्कुल ही ना के बराबर देखने को मिलती है। हालांकि प्रेजेंट डेट में जो लोग स्टूडेंट नहीं है उन्हें शायद ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी नहीं रही होगी, लेकिन हमें फिर भी ये तो जरूर सोचना चाहिए कि अगर एक बच्चा पूरी साल मेहनत करके एक एग्जाम को देकर आता है और अगले दिन उसे ये पता चले कि जिस एग्जाम को उसने इतनी मेहनत करके दिया था वो कैंसिल हो चुका है और अब उसे वो दोबारा एग्जाम देना है, तो उसके ऊपर कितना बर्डन पड़ता है। साथ ही साथ जो डिजर्विंग बच्चे होते हैं वो भी इन तरीके के लूप होल्स की वजह से वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक पहुंचना वो डिजर्व करते हैं। और इसलिए भी गाइस मेरी तो बस यही एडवाइस है कि इस चीज को छोटा ना समझ कर प्रॉपर तरीके से इसे ऑडिट करना चाहिए और एक अलग से स्पेशल एजेंसी को एस्टेब्लिश करना चाहिए जो सिर्फ स्टूडेंट रिलेटेड सारे ही मैटर्स को ना सिर्फ सुने बल्कि प्रॉपर टाइम में हर एक लेवल पर जाकर उसे सॉल्व भी करे, क्योंकि एक स्टूडेंट का कोड जाना और सालों साल कोड के चक्कर लगाना किसी भी लेवल पर वर्थ ही नहीं है। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिएगा, या फिर आपकी कोई सुझाव है कि इस चीज को और ज्यादा कैसे इंप्रूव किया जा सकता है इंडिया के अंदर एग्जाम से रिलेटेड, तो उस चीज को भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हां, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।